ओ तेरी तो फेंक भैया, हल्क भैया के टोटल 50 सेटअप हो चुके हैं और यार आपने अभी तक 20 ही मारे यार, ऐसे तो हल्क भैया जीत जाएंगे। अबे यार सिंचन, मुझे लगता है कि हल्क जीत पाएगा क्योंकि ये थोड़ी देर में हार मानने ही वाला है, इसलिए मैं काफी ज्यादा सेटअप करने वाला हूँ। अभी फेंक भैया वो जो मुझे छाप छाप दिख रहा है कि आप हारने वाले हो, क्योंकि यार आपके तो अभी तक 25 ही हुए है और यार हल्क भैया के टोटल 65 हो चुके हैं। वैसे हल्क भैया ऑल द बेस्ट, आप जरूर जीतोगे। अरे थैंक यू यार सिंचन, तू बहुत अच्छा है, तू मुझे कह रहा है कि मैं जीत जाऊंगा तो मुझे पक्का लग रहा है कि मैं जरूर जीतूंगा। हल्क भैया आप जरूर जीतोगे। वैसे यार आप दोनों यहाँ पर सेटअप करो, मैं थोड़ी अपनी ऑफ रोडिंग कार चलाता हूँ। वैसे यार अपनी ऑफ रोडिंग कार कितनी ज्यादा अच्छी है, मुझे इसे चलाने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। और फाइनली दोस्तों मैं अपनी ऑफ रोडिंग कार में बैठ चुका हूँ और यार देखो सही ये कितनी ज्यादा बड़ी है और साथ ही साथ इसको चलाने में मजा भी बहुत आ रहा है। यार ऐसा करता हूँ मैं इसको अपने लाइट हाउस के अंदर ही चलाता हूँ, क्योंकि यार अगर मैं बाहर जाऊंगा तो यार फ्रेंक भैया मुझे डांटेंगे। लेकिन यार अब कर भी क्या सकते हैं, मैं तो इसको अंदर ही चलाऊंगा। और यार फाइनली मैंने इसको काफी देर तक अंदर चला दिया है, अब ऐसा करता हूँ मैं धीरे से इसको बाहर ले जा रहा हूँ, क्योंकि यार वैसे भी हमें बहुत टाइम हो गया है, अब तो यार हमें घर भी जाना पड़ेगा। तो फाइनली गाइस अभी मैंने इसको बाहर रख दिया है, अब चलो यार मैं फ्रेंक भैया और हल्क भैया को बोलता हूँ कि ये जल्दी उठ जाए और फिर हम चलते हैं घर पे। हाँ तो हल्क भैया तो उठ चुके हैं, अब फ्रेंक भैया आप भी जल्दी से उठ जाओ क्योंकि यार वैसे आप हारने वाले हो। अब यार सिंचन मुझे थोड़ी देर और करने दे क्योंकि मुझे हल्क से जीतना है। अब यार ये तूने क्या कर दिया, तूने तो मुझे उठा दिया। अरे और नहीं क्या फ्रेंक भैया, वैसे भी अपनी नाइट ड्यूटी पूरी हो चुकी है तो यार अभी हमें घर चलना चाहिए। अरे बिल्कुल यार सिंचन, तू एकदम सही कह रहा है, हमें अभी घर चलना चाहिए, वैसे भी अपनी नाइट ड्यूटी खत्म हो चुकी है। हाँ हल्क भैया एकदम सही कहा आपने, अब चलो फ्रेंक भैया हम चलते हैं घर पे। वैसे फ्रेंक भैया एक बात मैं पहले बोल रहा हूँ कि यार गाड़ी मैं ही चलाने वाला हूँ। चलो ठीक है यार सिंचन तू ही गाड़ी चला दे, लेकिन एक बात मैं पहले बोल रहा हूँ कि गाड़ी थोड़ी ध्यान से चलाना भाई, ऐसा ना हो कि तू हमें नीचे पटक दे। ऐ नहीं पटूंगा फेंक भैया, नहीं पटूंगा, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है इस गाड़ी का और यार वैसे भी ये गाड़ी काफी ज्यादा इजी है, मुझे इसे चलाने में बहुत मजा आता है। उधर तो सिंचन तू तो यार सच में गाड़ी को बहुत अच्छा चला रहा है, मुझे तो तेरी ड्राइविंग देख के बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और यार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तू हमें जरूर नीचे पटेगा। ऐ नहीं भैया मैं आपको कहीं नीचे नहीं पटूंगा। अरे यार सिंचन मैं तो मजाक कर रहा था भाई, वैसे यार ये तू किस रास्ते पे ले जा रहा हमें? अरे हल्क भैया ये एक शॉर्ट का रास्ता है और हम जल्दी हाईवे पे टच हो जाएंगे। क्या बात कर सिंचन, तो ठीक है यार मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है। और वो जो भैया वो वहाँ पर हाईवे आ चुका है। अरे हाँ यार सिंचन तू तो यार सच में काफी ज्यादा बहादुर है यार, तुझे तो इस रास्ते का बहुत ज्यादा ध्यान है। हाँ हल्क भैया एकदम सही कहा आपने, मुझे सच में बहुत ज्यादा ध्यान देता है क्योंकि यार मुझे गाड़ी चलाने में बहुत मजा आता है ना इसलिए। वैसे सिंचन अगर तुझे नींद आए तो गाड़ी मुझे दे देना भाई, ऐसा ना हो कि तुझे नींद आ जाए और अगर तुझे नींद आ गई ना तो हमारा बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होने वाला है। नहीं फेंक भैया मुझे नींद नहीं आएगी क्योंकि जब भी मैं गाड़ी चलाता हूँ ना तो मुझे नींद नहीं आती है। चलो फिर तो ठीक है यार। अरे मोंटी हम कैंपिंग करने आए थे और तुम तीनों इतनी जल्दी थक भी गए। अरे क्वेन हम अपनी गाड़ी ठीक कर करके थक चुके हैं, लेकिन ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है, हम घर कैसे जाएंगे? अरे हाँ यार ये बात तो तेरी एकदम सही है, वैसे यहाँ जंगल में मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि ये जंगल भी काफी ज्यादा हरा भरा है और यहाँ ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। हाँ यार तेरी बात भी एकदम सही है, वैसे यार ये तो अच्छा रहा कि मैं अपने साथ दारू लेकर आ गया जिससे हमें काफी ज्यादा रिलैक्स फील हो रहा है। वैसे तुम दोनों क्या पी रही हो? अरे मैं तो पानी पी रही हूँ और मैं कॉफी पी रही हूँ। क्या कॉफी? अरे लेकिन कॉफी तुम यहाँ कैसे लेकर आ गई? अरे मेरे पास कोल्ड कॉफी रहती है जो किसी भी वक्त बन सकती है। ओ तेरे तो ये क्या, मेरे जंगल में कोई इंसान आया है और यार ये तो मेरे जंगल में कचरा कर रहा है, अब तो मुझे बदला लेना ही पड़ेगा क्योंकि जो भी मेरे जंगल में कचरा करता है ना मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ता। और तो और ये इंसान है तो इंसान को खाने में भी बहुत मजा आने वाला है। अब फिर रुको मैं इनको सबक सिखाता हूँ, फिर आएगा इनको मजा, इनको भी तो पता चलना चाहिए कि इन्होंने जंगल में आकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। हाँ तो देवी और सजनों बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब देखो मैं तुम्हारे साथ काफी घटिया व्यवहार करने वाला हूँ। अरे तुम्हार कौन हो और तुम तो काफी बड़े हो, कहीं तुम राक्षस तो नहीं हो? अरे बिल्कुल सही पहचाना, मैं राक्षसी हूँ। अरे ये क्या, ये तुम्हें मारा है? ओते तो भाई साहब, अरे आप हो कौन और हमने तो आपका कुछ बिगाड़ा भी नहीं, फिर आपने क्यों मारे हो? अरे तुमने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा है और अब तो मैं तुम्हें मार करूंगा। या छू छू, तो फाइनली मैंने ही सबको मार दिया है, अब मैं इनकी गाड़ियां भी तोड़ देता हूँ क्योंकि यार मुझे इंसानों की एक भी चीज जंगल में नहीं रखनी चाहिए, मुझे इसको भी तोड़ देना है। या छू छू, और ये देखो मैंने इंसानों की गाड़ी भी तोड़ दी है। हाँ तो अब ये गाड़ी और बची है, चलो मैं इसको भी तोड़ देता हूँ। या छू, हाँ तो फाइनली ये गाड़ी भी पूरी तरह ब्लास्ट हो चुकी है और तो और ये जो इंसान है वो भी मर चुका है, अब तो इस जंगल में मेरा ही राज है और अगर कोई इंसान यहाँ आ भी गया ना तो भी मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि इंसान मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं अपने एरिया में। अरे यार सिंचन तुझे तो काफी शॉर्टकट रास्तों का पता है भाई। अरे हल्क भैया मैं यहाँ जंगल की साइड ऑफ रोडिंग करते रहता हूँ ना, इसलिए मुझे जंगल का बहुत ज्यादा नॉलेज है। अबे टिंगू लेकिन तुझे यहाँ लेकर आता कौन है? मैं ही तो यहाँ लेकर आता हूँ तुझे। अरे यहाँ भैया वो बात तो आपकी एकदम सही है, और हाँ सिंचन अगर तुझे नींद आ रही हो तो भी मुझे गाड़ी दे देना, नहीं तो ऐसा ना हो कि तू हमें ठोक दे। अरे यार सिंचन एकदम सही कहा फ्रेंड ने। अरे नहीं हल्क भैया वो जीजू ये और क्या इधर? अरे यार यहाँ पर तो एक कार पड़ी है, पता नहीं यहाँ पर ऐसा क्या है। वो जीजू हल्क भैया जीजू यहाँ पर तो कितने सारे लोग मरे हुए पड़े हैं। अरे यार सिंचन लेकिन इन सबको हो क्या गया है, ये यहाँ पर ऐसे मरे हुए क्यों पड़े हैं? मुझे तो यार काफी ज्यादा डर लग रहा है, कहीं इनको किसी ने मारा तो नहीं है, क्योंकि यार देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये थोड़ी देर पहले यहाँ पर मरे हो। और देखो यहाँ पर तो इनकी कार भी पड़ी है, और तो और यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो कार है, यार जरूर इनके साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है। और यार सिंचन और फ्रैंकलिन मैं तो ऐसा कहता हूँ हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो यार हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। हाँ यार हल्क तू एकदम सही कह रहा है यार, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इनको मारा किसने है। यार मुझे नहीं लगता कि इनको किसी जानवर ने मारा है, क्योंकि यार अगर इनको जानवर ने मारा होता तो जानवर में
से एकन एक को तो पूरी तरह से खा जाता, लेकिन यार इनकी बॉडी तो पूरी तरह से सेफ है। फिर यार इनको किसने मारा है? अरे फैमिली, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, चलो भागो यहाँ से, नहीं तो हम किसी लफड़े में फंस जाएंगे। लफड़े में फंस जाएंगे नहीं, फंस गए। अब तो मैं इन तीनों को भी बहुत बेरहमी से मारूंगा, क्योंकि ये भी मेरे जंगल को गंदा करने आए हैं। और आपको तो पता ही है कि जो भी मेरे जंगल को गंदा करता है मैं उसको बहुत ही बेरहमी से मारता हूँ। और अब आप देखते जाओ मैं इनको कितनी बुरी तरह से मारूंगा। गाइस, क्या ये अजीब सा जानवर अपने फ्रैंकलिन, सिंचर और हल्क को मारने में कामयाब हो पाएगा, या फिर ये तीनों बच जाएंगे? अगर आपको भी इसका आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में पार्ट 2 लिखे। तब तक के लिए धन्यवाद।